डिस्कसिंग थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड एप्लीकेशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले हमने दो एप्लीकेशंस की बात की थी, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब हम तीसरी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस हमारे पास मौजूद है थर्मोडायनामिक्स में जिसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हम उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। एक और बात, शुरू की वीडियोस में हमने डेफिनेशन के हवाले से डिस्कस की थी इंटरनल एनर्जी, कि जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो। ये एक बात मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी कि जो इंटरनल एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर और वाइस वर्सा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे तो भी साथ, और कम होंगे तो भी दोनों एक साथ, ठीक। एक और बात जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वो ये कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस वेयर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो डेल्टा यू, यानी कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का? जीरो। तो डेल्टा यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन मेरे पास मौजूद है डेल्टा यू इक्वल्स डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू क्या मौजूद है? जीरो। सब्सटीट्यूटिंग हियर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एज इट इज, इसको मैं अरेंज कर लूं तो डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मेरे पास कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये बता रही है क्या? डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू मैं हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहा हूं, और डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशंस मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी कि डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव दैट मींस आई एम प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू द सिस्टम, इफ इट इज नेगेटिव दैट मींस हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव दैट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये मुझे ये बता रही है कि जितनी भी ज्यादा मैं हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करूंगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। मोर एंड मोर हीट एनर्जी, मोर एंड मोर वर्क डन। जितनी ज्यादा मैं हीट एनर्जी सिस्टम को डेल्टा क्यू बाहर से सप्लाई करूंगा उतना ज्यादा सिस्टम मेरे लिए डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन परफॉर्म करेगा। सो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस मेरे पास है तो मुझे ये फायदा है कि मैं जितनी ज्यादा हीट एनर्जी एक्सटर्नली आउटसाइड द सिस्टम को सप्लाई करूंगा सिस्टम उतना ज्यादा मेरे लिए वर्क डन परफॉर्म करेगा। ऑल द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन टू वर्क। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी उतना ज्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। ये इस इक्वेशन की सबसे ज्यादा खास बात है। उसके अलावा इसी प्रोसेस को अगर मैं पीवी डायग्राम के तौर पर ड्रॉ करना चाहूं, सो एक्स एक्सिस पे मेरे पास वॉल्यूम है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल वाई एक्सिस पे मेरे पास प्रेशर है। सो जो रिलेशन होगा पी और वी का, प्रेशर और वॉल्यूम का, वो कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज वी वन पी वन एंड टी, एंड दिस पॉइंट लेट सपोज इज वी टू पी टू एंड टी। टी टेम्परेचर रिमेन सेम इन बोथ फॉर बोथ पॉइंट्स, एंड हाउ वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंजेस इज समवेयर लोकेटेड थ्रू दिस डायग्राम। ये जो बिहेवियर है कर्व बिहेवियर है इस तरीके का, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इसको मैं नाम देता हूँ हाइपरबोला का। इस किस्म की शेप पीवी डायग्राम पे जब भी ड्रॉ की जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, हम उसे क्या नाम देंगे? हाइपरबोला। ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शन, ये एक स्पेशल टाइप की शेप है जिसके बारे में आप मैथ्स में खास तौर पे पढ़ेंगे, लेकिन इस किस्म के कर्व्स खास तौर पे पीवी डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए जो ड्रॉ की जाती है उसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ हाइपरबोला है। दिस ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, ठीक है। ये एक खास किस्म की शेप है, जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, उन शेप्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत सी बातें पता है। ये एक नई शेप है, इसके बारे में आप मैथ्स में खास तौर पे पढ़ेंगे कि इस किस्म के कर्व को हम बेसिकली क्या कहते हैं? हाइपरबोला। सो दिस इज फॉर द थर्ड एप्लीकेशन।
फॉर नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, थैंक यू.